नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। कोरोना संक्रमण से उत्पन्न चुनौतियों के बीच 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। बजट की इसी कड़ी में पर्यटन क्षेत्र संभावनाएं और चुनौतियों से जुड़े मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि पर्यटन का ये मुद्दा आम और खास हर किसी से जुड़ा है। कोरोना संक्रमण ने हमारे जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है और इसका असर हर क्षेत्र पर पड़ा है। सबसे ज़्यादा नुकसान जिन क्षेत्रों को उठाना पड़ा है उनमें से एक पर्यटन का क्षेत्र है। इसलिए मुद्दे पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि मामला आम लोगों के रोजगार से भी जुड़ा है। दरअसल पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय से देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी मदद मिलती है। रोजगार की दृष्टि से पर्यटन व आतिथ्य क्षेत्र महत्वपूर्ण है। पर्यटन के इसी महत्व को देखते हुए हर साल 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। लिहाजा पर्यटन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर खास मेहमानों के साथ आज चर्चा करेंगे और जो चुनौतियां संभावनाएं हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं CII के चेयरमैन पुनीत चटवाल जी। पुनीत जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे मेक माई ट्रिप के संस्थापक दीप कालरा जी से। दीप कालरा जी, आपका भी स्वागत है। और पर्यटन मंत्रालय के सचिव अरविंद सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत अरविंद जी मैं आपसे करूंगा। अरविंद जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय जो देश की अर्थव्यवस्था को गति देता है, लोगों को रोजगार देता है और देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी धरोहर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको भी पेश करता है। लेकिन कोरोना काल ने तमाम चुनौतियां पेश की हैं देश के सामने, अर्थव्यवस्था के सामने और जो पर्यटन इंडस्ट्री है उसके सामने। आप कैसे देखते हैं? आपने सही कहा कि एक पर्यटनत्र देश की अर्थव्यवस्था में काफी महत्व रखता है। रोजगार के संबंध से, विदेशी मुद्रा के आवक के संबंध से और सकल घरेलू उत्पाद जो है, जिसे हम GDP कहते हैं, उसमें जो उसका सहभाग है, सहयोग है, वो भी काफी महत्व रखता। लेकिन पिछले 2 वर्षों में हमने देखा कि इस महामारी के कारण इस क्षेत्र को काफी क्षति पहुंची है। सबसे प्रथम 2020 में जब लॉकआउट हुआ और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी कर दी गई, तब खासकर विदेशी पर्यटक जो है वो देश में नहीं आ सके। कुछ दिनों बाद जब पहला जो वे वो थोड़ा कम हुआ, तो हमने देखा कि घरेलू पर्यटन में एक वृद्धि आई जी। लोग अच्छे जो पर्यटक स्थल हैं वहां जाने लगे। लेकिन भी पिछले वर्ष अप्रैल और मई के महीने में हमने दूसरे वेव को का सामना किया, उससे फिर पर्यटन क्षेत्र को क्षति मिली जी। जुलाई महीने से पिछले वर्ष हमने देखा कि देशीय पर्यटन, अंतरदेशीय जो पर्यटन है जिसे हम डोमेस्टिक टूरिज्म कहते हैं, उसमें फिर वृद्धि आई, एक उछाल आया जी। और विशेषकर अक्टूबर के बाद, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में हमने देखा कि अच्छी वृद्धि और अच्छे नतीजे सामने आ रहे थे। जो अच्छे पर्यटक स्थल थे, वहां जो पर्यटक के आवास की सुविधाएं थी, वो सब काफी उन पर अच्छे बिजनेस उन्हें मिल रहा था और लोग जा रहे थे। लेकिन फिर जनवरी के महीने में ओमिक ने फिर एक क्षति पहुंचाई है। तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों में कुछ ना कुछ कारणों से क्षति पहुंच रही है, लेकिन जो अंतर्देशीय डोमेस्टिक टूरिज्म है वो फिर बाउंस बैक करता है जी। तो मुझे आशा है कि इस वेव के भी समाप्त होने पर अंतर्देशीय जो पर्यटन है, डोमेस्टिक टूरिज्म जो है, वो निश्चित फिर को इस महामारी के पूर्व की जो अवस्था थे वहां आ जाएगा। निश्चित ही 2 वर्षों में रोजगार की को क्षति मिली है, इनकम्स को क्षति मिली है, रेवेन्यूज को क्षति हुई है और काफी नुकसान खासकर इस क्षेत्र में जो छोटे और मझौले उद्योग है, जिन्हें हम स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस SMEs कहते हैं, उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है और रोजगार को भी काफी क्षति पहुंची है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का प्रश्न है, जब तक अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल पर और जिस जो आवागमन है, वीजाज पे रिस्ट्रिक्शंस नीचे नहीं आती है और वो डिपेंड करता है और वो उसकी उसके वो संभावित है कि बाहर के विदेशी देशों में इस वायरस का क्या व्यवहार है,
वैक्सीनेशन का क्या वहाँ ये विकास है? हमारे यहाँ तो अच्छी एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है जी, लेकिन कई विदेशी देशों में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। कई देशों में आज भी महामारी काफी भयंकर रूप उसने धारण किया हुआ है। तो अगर विदेशों में ये इस संक्रमण का में कमी आएगी तो निश्चित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को पर जो निर्बंध है वो शिथिल होंगे जी, और जी, निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का हम भारत में स्वागत कर सकते जी। जाहिर सी बात है अरविंद जी, कोरोना संक्रमण ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को, पर्यटन को और दूसरी चीजों को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। लेकिन मेरे साथ जो राष्ट्रीय पर्यटन समिति है CIA के, उसके चेयरमैन पुनीत चटवाल जी जुड़े हुए हैं। पुनीत जी, बजट भी 1 तारीख को पेश होगा, 1 फरवरी को, और कोविड ने जो चुनौतियां आर्थिक रूप से खड़ी की हैं इंडस्ट्री के सामने, आप लोगों की क्या अपेक्षा है इस बजट से? पहले तो धन्यवाद इस चांस के लिए बात करने के लिए। जैसे अरविंद सिंह जी ने बताया, बहुत ही ज्यादा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का नुकसान हुआ है, पर बड़ी कंपनीज का भी नुकसान हुआ है। ये पहली बारी पिछले 100 साल में देखा गया है कि आपका रेवेन्यू जीरो हो सकता है जी, और आपकी कॉस्ट उतनी की ही उतनी है जो पहले थी, चाहे वो आपको बिजली का बिल देना है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स देना है, चाहे इम्प्लॉयज की सैलरी देनी है। सो कॉस्ट तो वहीं पे रही, लेकिन आपका रेवेन्यू लॉकडाउन की वजह से जीरो तक आ गया। तो जीरो से उठना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हम पहली वेव के बाद 30% तक, 30% तक बिजनेस वापस आया, सेकेंड वेव के बाद 60% तक वापस आया। तो 30% या 60% के आने से आपका खर्चा पूरा नहीं हो सकता। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, जो रोजगार की ऑलमोस्ट 8% से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में और 12% इनडायरेक्टली जो जॉब्स क्रिएट होती है, इस पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऑलमोस्ट 40 मिलियन जॉब्स जो है टूरिज्म सेक्टर से आती हैं, और ये जो फिगर है ये ऑलमोस्ट 50 तक जा सकती है आने वाले 7-8 साल में जी। और अगर हम टूरिज्म एट 47 की बात करते हैं 100 साल हमारी आजादी के, तो ये फिगर 100 मिलियन जॉब्स तक जा सकती है। तो इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस सेक्टर की पोजिशनिंग, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इस सेक्टर की पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सेक्टर को एक इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देना चाहिए जी। इसको कॉन्स्टिट्यूंट अपना कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंक्लूड करना चाहिए। स्टेट लेवल पे इसको इंडस्ट्री स्टेटस मिलना चाहिए, और जहां तक हो सके कुछ ना कुछ मॉरिटोरियम है या आपका जो सर्विसेज एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलता था, इन चीजों को आगे जारी रखना चाहिए ताकि यह सेक्टर अपने आप को रिवाइव कर सके। इससे बड़ा मल्टीप्लीकेटर रोजगार के लिए पूरी दुनिया में नहीं है। और आने वाले हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो काफी ज्यादा हमारे देश की जो यंग पॉपुलेशन है, उनको डायरेक्ट रोजगार और इनडायरेक्ट रोजगार इस सेक्टर से मिल सकता है। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, और जैसे कहते हैं कि हर मुश्किल में, हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी निकलती है। तो होपफुली इसका कुछ ना कुछ पॉलिसी मेकिंग से इस सेक्टर को अगर बेनिफिट मिलता है तो हम सबके बहुत आभारी होंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल, प्राकृतिक आपदा भी कोई भी आती है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई क्षेत्र होता है सबसे पहले तो वो पर्यटन का ही क्षेत्र होता है। दीप कालरा जी, आप कैसे देखते हैं जो चुनौतियाँ इस कोविड के कारण खड़ी हुई हैं, बजट सामने है, क्या अपेक्षा है आपकी? जी, पुनीत ने ऑलरेडी काफी पॉइंट्स हमारे कवर किए हैं, और हमने इकट्ठे CII में ये पॉइंट्स बनाए हैं जो इंडस्ट्री चाहता है और अपेक्षा कर रहा है कि हमें मिलेगा स्टेटस। मैं एक बार फिर बताऊंगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस टूरिज्म सेक्टर, पर्यटन सेक्टर का जो स्टेटस है वो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस नहीं होगा तो काफी मुश्किल आती रहेगी। और हमें जो प्रायोरिटी लेंडिंग की जरूरत है, आपने खुद बताया, अरविंद जी ने बताया कि स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज सबको काफी कष्ट मिला हुआ है जी। तो उनको जब तक सॉफ्टर लोन्स लोअर इंटरेस्ट पे नहीं मिलेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी कि बाहर निकलने की।
और एक पॉइंट पुनीत ने बहुत अच्छी करी कि ये कॉन्करेंट लिस्ट पे चाहिए हमें कि ये इंडस्ट्री आए। क्यों? क्योंकि टूरिज्म आज स्टेट सब्जेक्ट है, पर अगर आप देखो तो जब तक एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी ना हो टूरिज्म के लिए, बहुत मुश्किल है कि हमारे जो इतना बढ़िया देश है, हमारे पास सब कुछ है जी, पर लोगों के लिए एक ही पॉलिसी होगी तो लोग आराम से जा पाएंगे दूसरी जगहों में, पॉलिसी सेम रहेंगी, तो कंकरेंट लिस्ट में आएगा तो दोनों सेंटर और स्टेट का भी इसके ऊपर नजरिया रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप इंडिया को देखें बाहर की नजर से तो ये वैसी कंट्री है, वैसा देश है जिसमें हर चीज है, नेचुरल ब्यूटी, कोई और कंट्री शायद नहीं होगी, कोई देश नहीं होगा जिसके पास इतनी नेचुरल ब्यूटी है और अलग अलग किस्म की, हिमालय भी हैं, समुंदर भी हैं, और आप देखो तो फॉरेस्ट हैं, गेम पार्क्स हैं कुछ, और डेजर्ट राजस्थान का, मतलब लोग कोने कोने से आते हैं इंडिया को देखने, तो वो है हमारे पास कल्चरल और हेरिटेज जो हमारे पास है इतना रिच है और इतना बढ़िया है, अगेन वर्ल्ड में शायद ये नहीं होगा, तो लोग आना जरूर चाहते हैं पर दिक्कत है आने में। कोविड के बाहर भी अगर आप देखोगे, कोविड निकल जाएगा तो एक तो वीजा महंगा भी है और टाइम भी बहुत लगता है, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक वीजा की जरूरत है, क्योंकि फॉरेन ट्रैवलर जो है वो ये नहीं चाहता कि अपने पासपोर्ट को दें और वो पासपोर्ट बहुत दिनों के लिए ब्लॉक हो जाए, वो चाहते हैं कि पासपोर्ट सारा आज इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, और तब भी आप प्री अप्रूव कर सकते हैं लोगों को, काफी देश करते हैं ये, दुबई बहुत अच्छी तरह करता है, प्री अप्रूव कर लीजिए और तब लोग आ सकते हैं, तो ये बहुत ही सुविधा होगी लोगों को ट्रैवल करने में, अगर ऐसा चेंज आ सके तो। हमने ये भी रिकमेंडेशन दिया है और अपेक्षा है कि ये भी मानी जाएगी, और बाकी जो इंसेंटिव्स के लिए भी पूछा है, हमें बहुत जरूरत है, अगर कोई इंडस्ट्री को जरूरत है आज तो हमारी इंडस्ट्री को जरूरत है। जी बिल्कुल अरविंद जी, अगर मैं पर्यटन नीति की बात करूं तो 1982 में नीति बनी, 2002 में बनी, 2015 में बनी, सरकार ने अलग अलग समय पे कोशिश की जो कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हैं या हमारे देश के जो पर्यटक हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधा मिले, लेकिन मैं अगर अंतर्राष्ट्रीय हिस्सेदारी की बात करूं, विश्व पर्यटन की बात करूं, तो उसमें भारत का हिस्सा वर्तमान स्थिति में 1% से भी कम है। कोविड ने ठीक है चुनौती खड़ी की, लेकिन उसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं, पहले की बात करूं, तो भी हमारी हिस्सेदारी कम है। वो बढ़े इसके लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं, क्या उठाया जा रहा है कदम मंत्रालय के स्तर पर? आपने जो बात कही वो सही है कि हमारे यहाँ जो अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों पर्यटक आने की जो संख्या है उससे कई गुना ज्यादा संख्या कई छोटे राष्ट्रों की है जी, जहां की ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सुविधा उन्हें उपलब्ध कर दी है जो अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित कर सके। तो पिछले 5-7 वर्षों के अगर आप आकलन करेंगे तो निश्चित जो सर पर्यटक स्थलों की जो कनेक्टिविटी है जी, कि वहां जाने की जो सुविधा है, आवागमन की सुविधा है, उसमें निश्चित सुधारना हुई है। अगर हम रोड्स की कनेक्टिविटी देखें तो हाईवेज का बहुत जल्द गति से विस्तार हो रहा है अपने देश में और ये पर्यटक स्थलों को भी जोड़ रहा है। अगर हम विमानतलों और एयरपोर्ट्स की देखें तो खासकर उड़ान स्कीम के तहत नए नए विमानतलों का विस्तार हुआ है, नए नए एयरपोर्ट्स शुरू हुए हैं और नए नए रूट्स जो पर्यटकों को आकर्षित कर सके ये शुरू हुए हैं, और कई ऐसी सुविधा, अब उदाहरण आप आज जम्मू कश्मीर का देखें, लद्दाख देखें, नॉर्थ ईस्ट का देखें, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं जी, पहले उतनी संख्या में, आज से अगर आप 10 वर्ष पूर्व देखेंगे तो पर्यटक नहीं जाते थे, लेकिन अब वहां अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सुचारू रूप से जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं और वहां जो पर्यटक स्थल है उनका आनंद ले रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे ये सब सुख सुविधा बढ़ेगी तो निश्चित हम आकर्षित कर पाएंगे। तो एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई जी, उसके साथ ही साथ उसकी अच्छी मार्केटिंग हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा हम आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कर आईटी का यूज कर सके, जैसे मेरे सहयोगी दीप ने कहा कि ई वीसाज और ये सब सुलभीकरण अगर हम करें तो इस दृष्टि में भी काम चल रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा आईटी का यूज करें और सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस जी, जिससे कि जो पर्यटक आ सके उसे भी आनंद हो और स्थानिक जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है, जहां पर्यटक स्थल है वहां जो रहने वाले लोग हैं उन्हें भी फायदा हो पर्यटन से।
तो इस दृष्टि पे भी क्या कदम लिए जा सके, ये भी मंत्रालय काम कर रहा है। और जिस नई राष्ट्रीय नीति की आपने बात की, राष्ट्रीय पर्यटन नीति की, उसका भी मसौदा हमने तैयार किया है। सब स्टेक होल्डर्स जो है, CII हुए, फिक्की हुई, या इस क्षेत्र से जुड़े हुए जितनी संस्थाएं हैं, सबसे विचार विमर्श करके, राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके हम ये नई पर्यटन नीति भी देश के सामने लाना चाहेंगे। जी अरविंद जी, आपने एक नई नीति की बात की, तो अक्सर ये मांग सामने आती है कि देश में पर्यटन को लेकर राज्यों की अलग अलग नीतियां देखने को मिलती हैं, अलग अलग टैक्सेस का रूप सामने आता है, तो एक नीति पूरे राष्ट्र में पर्यटन को लेकर हो, एक बड़ी मांग रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब इस पर विचार विमर्श तो हो रहा है जी। हम सब राज्यों को, हमारा संघीय ढांचा है जिसे हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, जो राज्यों के अधिकार है वो तो हम करेंगे ही, बट उस अधिकार में एक नीतियों में सुसुभा है, इसके लिए हम सब साथ काम करना चाहते हैं। और मैं देख रहा हूं, जब मुझे एक वर्ष का अनुभव जो इस क्षेत्र में है जी, सभी राज्य जो सब अपने क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं और सब प्रोत्साहित करना चाहते हैं। आज राज्यों में एक कंपटीशन, एक दूसरे में स्पर्धा निर्माण हो गई है कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक, वो देश का हो या विदेश का हो, उनके राज्य में आए। इसलिए कई अच्छी और नीतियां कई कई राज्यों में हमें देखने को मिल रही। कई राज्यों का आपने पर्यटन की दृष्टि से पहले नाम नहीं सुना होगा, लेकिन वहां आज अच्छी नीतियों के कारण पर्यटक जा रहे हैं और पर्यटक स्थलों का आनंद वहां ले रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस एक तरह का विरोधाभास है, अलग अलग नीतियां जरूर हैं और हम धीरे धीरे सबको एक दिशा में लाने का प्रयत्न करेंगे जी। पुरी चटवाल जी, एक इंडस्ट्री की बड़ी मांग ये रही है, जिन लोगों से भी मैंने बात की, कि GST को लेकर और जो कर सुधार है खासतौर से पर्यटन क्षेत्र को लेकर, उसकी एक मांग रही है। आप लोग की क्या मांग रही है, क्या चाहते हैं आप लोग? GST हो या कोई और फॉर्म का टैक्स हो, अगर ऐसी महामारी के बाद अगर आपको कोई भी इंसेंटिव दिया जाता है कि थोड़ी देर के लिए टैक्स कम हो, तो उससे आपको पर्यटन की प्रोग्रेशन ही मिलेगी। और खासकर अभी तो हमने इसमें शुरुआत भी नहीं करी उस तरीके से जैसे हम कर सकते हैं। दीप जी ने जो बोला या अरविंद सिंह जी ने जो अभी आपको बोला, उसमें हमने 2-3 पॉइंट्स और मिस कर दिए। देखिए, भारत में स्पिरिचुअल टूरिज्म की जो अपॉर्चुनिटी है अभी तक, तो वो भी हमने प्रॉपरली टैप नहीं करी। जैसे बुद्धिस्ट सर्किट है हमारा, जैसे हमारे साउथ में टेम्पल्स है, जैसे हमारे नॉर्थ में है गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, इसका इतने लोग जो हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं पर इंडियन ओरिजिन के हैं, वो लोग भी आना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं, तो जो पोटेंशियल है वो बहुत ही बड़ा है। इसी तरह मेडिकल टूरिज्म, आज ये वैक्सीन का जो हमने किया है कोविड के टाइम से, इसने पूरे जगत में ये दिखा दिया है कि इंडिया में मेडिकल टूरिज्म कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो इसलिए सिर्फ समुद्र ही नहीं, सिर्फ बीचेस नहीं, सिर्फ हिमालय नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट योगदान आपको इस सेक्टर से मिल सकता है। इसको बढ़ावा देने से, चाहे आप टैक्स की तरफ से दें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस की तरफ से दें, चाहे कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लें, इससे देश की जो पोजिशनिंग है ग्लोबली बहुत अच्छी हो जाएगी। और अभी तो मतलब जैसे आपने बोला, जो आपने परसेंटेज बताई, तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हमारे आसपास के देश में इतने लोग जा रहे हैं और उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे पास उनसे बेहतर ना हो, चाहे वो बीचेस हैं। अब हमने होटल्स देखे हैं, अपना अंडमान निकोबार, अभी लक्षद्वीप है आपका, गोवा है, हर टाइप का आपका, चाहे स्की वेकेशन करना हो तो कश्मीर में जो हो सकता है, तो हमारे पास बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है हर किस्म की, तो हमारे पास तो लोग आना ही चाहेंगे। और जैसे अरविंद सिंह जी ने बोला, एयरपोर्ट की डेवलपमेंट से, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट से, और जो कोविड के टाइम पे हुआ है, जो पहले इतना नहीं होता था, लोग अपने आप जो गाड़ी चला के जिस संख्या में हॉलीडे पे गए वो पहले नहीं हुआ, तो अब एक वो भी एक नया हमारे लिए एक सोर्स आ गया है अपना टूरिज्म को बढ़ावा देने का। इसलिए चाहे उसको आप कह रहे हैं GST से करें, चाहे किसी और टैक्स से करें, चाहे
आधे टैक्सेस का तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलने से ही आपको यूटिलिटीज जो है, आपको बिजली है, पानी है, उसका एक अलग रेट पे टैक्स लगने लग जाएगा। तो उससे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगी। जब सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगी तो सेक्टर में आपके और बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी होगी तो उससे इंप्लॉयमेंट क्रिएट होगा। जब डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो उससे ऑटोमेटिक इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था, सबसे बड़ा मल्टीप्लिकेटर ऑफ जॉब्स दुनिया में पर्यटन सेक्टर है। जी हाँ बिल्कुल, ये माना जाता है कि पर्यटन में प्रति 10 लाख रुपए के निवेश से 75 लोगों को रोजगार मिलता है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला ये सेक्टर माना जाता है। लेकिन दीप जी, लोगों को भी अपेक्षा होती है इंडस्ट्री से कि उन्हें सस्ती और सुरक्षित सेवाएं मिलें, इसे कैसे देखते हैं आप? मैं एक और पॉइंट टैक्स के बारे में बोलना चाहूंगा, आपने पूछा ये क्वेश्चन तो जीएसटी का। तो आज अगर आप देखें जो टीसीएस है हमारा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो उसमें एक डिस्पैरिटी है। अगर आप एक विदेशी हॉलिडे खरीदे फॉरेन ऑपरेटर से इंटरनेट पे, तो आपको वो थोड़ा सस्ता मिलेगा, और अगर कोई इंडियन कंपनी से खरीदे, अपनी विदेशी कंपनी और अपनी कंपनी से खरीदे, तो वो 5% ज्यादा है, क्योंकि टीसीएस लागू है उस पर। तो ये हमने रिकमेंडेशन दी है गवर्नमेंट को कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, इंडियन कंपनी को के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं, बल्कि हमें इंडियन कंपनीज को भी हेल्प करना चाहिए। तो एक पॉइंट है जो मैं फिर से आपको भी बताना चाहूंगा। और दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था 2019 हर भारतीय को 15 नई जगहें देखनी चाहिए 3 साल तक जी। अब उन 3 साल में तो हमें पता है कि 2 साल तो कोविड में ही निकल गए, पर अगर हम 2 साल आगे भी देखें, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे सारे जो भी लोग हैं कंट्री के, देश के, जो कर सकते हैं पर्यटन, वो जाके देखें नई जगहों को, तो अगर LTA की एग्जेम्पशन, लीव ट्रैवल अलाउंस की एग्जेम्पशन दी जाए और थोड़ी एक्सटेंड इसको किया जाए अगले 2-1 साल, तो मुझे लगता है कि पर्सनल लेवल पे, और यही आपका था मेरे लिए, हर ट्रैवलर को, इंडियन को, हर पर जो भी उसको, वो उनकी क्या अपेक्षा है, उनकी यही अपेक्षा है कि ट्रैवल करने का थोड़ा और सुविधा हो, थोड़ी और सस्ती हो सके अगर प्राइसेस, तो वो और भी ट्रैवल करेंगे। तो ये एक यूनिक तरीका है जिससे आई थिंक टैक्स बेनिफिट उनको अगर मिल जाए अपनी पर्सनल टैक्सेशन पे LTA के दरमियान, तो वो बहुत ही उनको हेल्प करेगा, सहायता करेगा जी। अरविंद जी, रिलीजियस टूरिज्म की बात की अभी पुनीत जी ने, तो मंत्रालय ने सरकार के स्तर पर रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, बुद्ध सर्किट, जैन सर्किट, इस तरह के जो सर्किट हैं उनको डेवलप करने की दिशा में तमाम कदम उठाए गए हैं, और अतुल्य भारत पर्यटन अभियान भी सरकार ने चलाया ताकि विदेशी देशी जो पर्यटक हैं उनको देश में आकर्षित किया जा सके। साथ ही चिकित्सा और योग की दृष्टि से भी देश में पर्यटन का प्रचार प्रसार हुआ है। आप कैसे देखते हैं जो रिलीजियस टूरिज्म है उसकी स्थिति को, और ये सर्किट जो डेवलप किए जा रहे हैं अभी क्या स्थिति है इनकी? नहीं, आपने सही प्रश्न पूछा है कि आप देखा कि पिछले कुछ वर्षों पे जो हमारे मंत्रालय की जो योजनाएं थी उसके तहत कई सर्किटों का विकास हुआ, 15 सर्किटों पे काम हुआ है स्वदेश योजना के तहत 2016 से लेके आज तक जी। और प्रसाद जो योजना है उसके तहत कई जो ऐसे धार्मिक स्थल हैं, स्पिरिचुअल जगह है, उनके उनके आसपास पर्यटकों को अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके, इसका आपने उदाहरण देखा है। उसमें हमने उस योजना के तहत सोमनाथ मंदिर में हुआ है, कई अन्य मंदिरों में भी काम हुआ है। तो निश्चित जैसे जैसे पर्यटक की सुविधा वहाँ इन धार्मिक स्थलों पर बढ़ेगी, जैसे पूर्वी के वक्ता पुनीत ने कहा कि धार्मिक पर्यटन का निश्चित ही इस देश में बहुत ही स्कोप है, क्योंकि दक्षिण के लोग काशी जाना चाहते हैं, दक्षिण के लोग बद्रीनाथ में दर्शन करना चाहते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहते हैं, विदेश में जो रह रहे हैं भारतीय वो सहज रूप से गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, सब जगह वो दर्शन करना चाहते हैं जी। तो संभावनाएं बहुत हैं, और अगर इस प्रक्रिया को हम सुलभ कर सके, जैसे नए नए ट्रेन शुरू हो रहे हैं, नए नए हाईवेज और रस्ते बन रहे हैं, नए नए ठीक जगह जगह पे छोटे छोटे एयरपोर्ट हेलीपोर्ट बन रहे हैं, तो आवागमन की जो अगर पर्यटकों की सुविधा हो सके, उनके वीजा की जो प्रक्रिया है उसमें सुलभीकरण हो सके,
उनको योग्य दरों पे ये सब सुविधा, सफर की सुविधा, स्थानीय स्तर पर अच्छे गाइड्स मिल सकें, ये सब हो जाए तो निश्चित धार्मिक पर्यटन की अपार संभावना है हमारे भारत देश में। जी अरविंद जी, अगर मैं बात करूं कि छोटे शहरों की, तो जो हवाई मार्ग से छोटे शहरों को जोड़ा गया है, चाहे मैं दरभंगा की बात करूं, बरेली की बात करूं, आप कैसे देख रहे हैं टूरिज्म की इस गति को? तो निश्चित उससे बहुत फर्क पड़ता है और बहुत ही उसका प्रभाव होता है। उदाहरण अगर आपको दिया जाए तो महामारी के पहले खासकर हमारे जो हम कहते लो कॉस्ट एयरलाइंस भारत में आए, जिन्होंने कम दरों पे यात्रा को का अवसर प्रदान किया, उड़ान जैसी योजना आई और नए नए जगह छोटे छोटे एयरपोर्ट छोटे छोटे जगहों पे बने। आपने बरेली का उदाहरण दिया, दरभंगा का उदाहरण दिया, उस तरह अन्य जगह है जैसे पूर्वोत्तर में रूपसी है, अभी अगरतला में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, कुशीनगर में कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। तो इससे क्या होता है, पर्यटकों के लिए एक अच्छी सुविधा, सुलभ दरों पे वहां जाने की सुविधा उन्हें प्राप्त होती है और निश्चित इससे मदद होता है। जी अगर मैं कुशीनगर का ही उदाहरण दूं तो बुद्धिस्ट सर्किट की बात हो रही थी, तो पहले एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटक सबसे पहले गया आता था और उसके बाद वो वाराणसी से लौट जाता था अपने देश में, क्योंकि यही दो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट थे। तो एक और कड़ी उसमें जुड़ गई है कुशीनगर एयरपोर्ट की, कि जो जहां महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया था। तो हमें आशा है कि आगे इस महामारी के समाप्त होने पर हम इंटरनेशनल चार्टर्स को देखेंगे कि वो नगर एयरपोर्ट। तो इस उदाहरण से हमें लगता है, जैसे मैंने कुशीनगर का उदाहरण दिया, कि निश्चित ही छोटे शहरों में अच्छे इस तरह की सुविधा का निर्माण होने से पर्यटकों के लिए सुलभ हो जाती है उनकी यात्रा। जी बिल्कुल बिल्कुल, अरविंद जी आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सनसेट टीवी से बात करने के लिए। पुनीत जी, दीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।